जाए गलाके आगे बढ़ते हैं so, guys, जो मैंने बोला कि कितनी फीस लगती है या कितना खर्चा लगता है कैबिन क्रू बनने के लिए अब किसी भी इंसान के दिमाग में आएगा जो कैबिन को बनने के लिए जा रहा है और पहली बात बोलूँ यार आप लोग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो और मैं नहीं चाहती आपकी एक छोटी सी पहनी भी खर्च हो किसी भी चीज़ के अंदर ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो सो मैं ये बोलूँगी गाइस कैबिन क्रू बनने के लिए कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं चाहे आप गाँव से हो शहर से हो कहीं से भी हो आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है कैबिन क्रू बनने के लिए पहली बात कैबिन क्रू के जो इंटरव्यूज होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं दूसरी बात यह है कि आपको कोई भी कैबिन क्रू की ट्रेनिंग नहीं चाहिए आप उससे पह किसी भी इंटरव्यू के लिए आपको ट्रेनिंग नहीं चाहिए ठीक है तीसरी चीज़ किसी भी अगर कोई आपको इंसान बोलता है कि आपको इतने पैसे मुझे दे दो एंड यू नो फ्रॉड काफ़ी जगह होते हैं कि आप मुझे इतने पैसे दे दो मैं आपकी जॉब लगा दूंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है प्लीज़ इन चीज़ों में बिल्कुल भी मत फंसीएगा ऐसा कुछ नहीं है प्लीज़ यू नो जस्ट कि मेरे काफ़ी लोग हैं जो फ्रेंड्स हैं बाकी लोग जो मुझे जानते हैं दे टेल मी कि यू नो मानसी ये हो गया और यू you नो know, मैंने इतने पैसे दे दिए मैंने बोला यार एटलीस्ट मुझसे पूछ तो लेते यार यारो so, पूछने की पूछते नहीं है उसके बाद जब कुछ हो जाता है ना वो कांड हो जाता है देन दे कम एंड टेल मी यार मेरे पैसे चले गए मैम मेरे पैसे खर्च हो गए मेरे पैसे मैंने दे दिए कैब और बनने के लिए रास्ते वो पैसे कभी मुझे मिले नहीं सो so, मैं वही बोल रही हूँ कि यार इट्स बहुत सारे फ्रॉड होते हैं बहुत ही ज़्यादा तो प्लीज़ उनसे ध्यान से दूर रहो लोग बोलते हैं आपकी ना इंटरव्यू जॉब लगा देंगे जब तक लगेगी नहीं ना तब तो तक हम पैसे नहीं लेंगे ऐसे लोग भी होते हैं भाइयों बहनों मेरी बात सुनो पहली बात तो ये कि वो आपके उस पर खेलते हैं आपकी जॉब लगी तो पैसे लेंगे आपकी जॉब नहीं लगी तो पैसे नहीं लेंगे वो किसके बेसिस पे हो रही है वो आप ही के बेसिस पे तो हो रही है बिकॉज वो अपने एफर्ट्स कुछ नहीं डालते वो बोलते कि आप लिख दो हो तो रिज्यूमेबल हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है सो आई एम टेलिंग यू दिस वो आप ही अगर आप सिलेक्ट होते हो अपने बेसिस पे होते हो सिलेक्ट नहीं होते वो अपने बेसिस पे होते हो सो so, और किसी को कोई पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज कोई भी एयरलाइंस चार्ज फीस चार्ज नहीं करती किसी भी कैबिन क्रू इंटरव्यूज के लिए ये जरूर जरूर ध्यान रखना स्पाइस जेट जरूर चार्ज करती है उसके अलावा कोई भी एयरलाइंस चार्ज नहीं करती किसी भी कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए सो प्लीज़ बी बी अवेयर और कैबिन क्रू स्पाइस जेट के लिए भी आप वहां पे उनके मेन ऑफिस में जाओगे वहां जाके होता है ठीक है ऐसा नहीं कि अलग ही कहीं पे आप जा रहे हो कुछ भी हो रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है सो प्लीज़ किसी को गूगल पे पेटीएम टाणा कुछ भी मत करना ओके okay? उसके अलावा और क्या बोला था मेरे को आपको हाँ एक तो ये हो गई चीज़ें ठीक है फीस के लिए मैंने आपको बता दिया कोई चार्जिंग फीस कुछ भी नहीं है नाउ अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग फीस के बारे में नाउ ट्रेनिंग फीस गाइज अप्रॉक्सीमेटली आइडिया ले लो कि फिफ्टी थाउजेंड से स्टार्ट होती है लाइक इंडिगो में इट टेक फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ अब एयर इंडिया में भी इट टेक्स फिफ्टी थाउजेंड आई थिंक वन लाख तक ज्यादा है फिफ्टी साल काम कर रहे हो तीन साल काम करने के बाद आपको यू नो लो बोनस मिलता है सो नाउ इन दैट वट यू हैव टू डू आपको आपको एटलीस्ट पैसे रिफंड होते हैं समझ रहे हो ना रिफंड में ये नहीं कि पचास हजार ही मिल जाएंगे आपको एक्जैक्टली exactly आपको डेढ़ लाख रुपए वापस मिलते ना फॉर एक्जाम्पल वन आई हैव कम्प्लीटेड माई इंडिगो लाइक फॉर थ्री ईयर सो इंडिगो में जैसे मैं थ्री ईर्यस कम्प्लीट हुए उसके बाद आई गॉट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ उससे समझ गए सो so, इसमें कोई फायदा ये ऐसा so, नहीं है कि नुकसान हो रहा है आपका कहीं ना कहीं कि आपके पैसे चले जाएंगे या और पचास हजार दे दिए बल्कि तीन साल में आप उससे ज़्यादा कमा लेते हो ठीक है और उसके अलावा आपको रिफंड तो हो ही जाता है और अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो आपको पैसा वो वापस नहीं मिलेगा ठीक है गाइज क्लियर पहली चीज हो गई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है दूसरी बैच चल गई कितने पैसे जाएंगे आपके तो अगर आप और ये पे तब करने हैं ये भी सुन लो कब पे कर रहे हैं ये नहीं कि इस ट्रेनिंग हुई नहीं क्रू कुछ इंटरव्यू हुआ नहीं उससे पहले पचास पचास हज़ार रुपये बांट रहे हो इतने पैसे है तो भाई मुझे भी दे दो यार मैं भी थोड़ा तो पैसे दे दो यार सो so, या पार्टी वार्टी चल देना मेरे साथ कहीं पे पार्टी वार्टी कर लेंगे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो पैसे बर्बाद मत करो ठीक है आगे बढ़ते हैं नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको कब देने है वो जब आपके चारों पांचों राउंड जितने भी राउंड हुए क्लियर हो गए उसके बाद नाउ वट यू हैव टू डू आपको जो भी कंपनी है वो आपको ऑफर लेटर देगी उस पर लिखा होगा एयर इंडिया इंडिगो स्पाइस एयर एशिया कतर जो भी है एमिरेट सब लिखा होगा और उसमें आपके ऑफिस में आपको बुलाया जाएगा या फिर आपको मेल आई पे शेयर किया जाएगा प्रॉपरली चेक करके उसके बाद अपने इंटरव्यू और इंटरव्यू जहां जहां होते हैं वहां की वैकेंसीज वीडियोस में डालूंगी सो रात आपको आइडिया हो जाए और वहां पे एग्जैक्टली साइन होंगे आप साइन करोगे उस पर लिखा होगा आप कितने सबमिट कर रहे हो पैसे देन अपने इंटरव्यू राउंड क्लियर करने के बाद ही आप वो पैसे दीजिएगा और वो भी गूगल पे पेटीएम करने के लिए नहीं बोलते हैं तो ये ध्यान रखना वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पैसे लेते हैं आपके डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू रिमेंबर दिस गूगल पे पेटीएम करो नहीं करना ठीक है ओके नेक्स्ट चीज में जाती हूँ वो चीज है दैट विल बी योर सब्जेक्ट नो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि क्या सब्जेक्ट चाहिए होता है बिफोर क्या हम ट्वेल्थ से पहले करें ग्रेजुएशन की बात करें क्या करे हमको कोई समझ नहीं आ रहा सो गाइज फॉर मी आई हैव ज्वाइन जब मैंने अपना ट्वेल्थ क्लियर किया था उसके बाद मैंने कॉलेज किया कॉलेज के साथ साथ आई हैव डन दिस नॉ फॉर एग्जाम्पल इट वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर मी टू डू इट लाइक साथ साथ कॉलेज के साथ में बिकॉज पीपल लोग बोलते हैं कि आपको छुट्टी मिल जाती है समटाइम यू गेट इट समाइम यू डोंट गेट इट फॉर द एग्जाम ऑल्सो ठीक है आई वॉन्ट टू क्लियर यू वेरी वेरी वेल सो दैट आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज में सी अगर आप कोई कॉलेज ओपन से करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप आराम से ट्वेल्थ की बात कर सकते हो गर्स और ट्वेल्थ के बाद अपलाई कर सकते हो जरूरी नहीं आप ग्रेजुएशन वेट करो उसके बाद कर सकते हो नहीं कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करने के लिए ट्वेल्थ के बाद यू कर इजिली अप्लाई फॉर इट और उसके बाद आप आराम से यू नो मस्त मजे कर सकते हो और स्पेशली uh, अगर आपको रेगुलर कॉलेज करना है तो रेगुलर कॉलेज दोस्तों इसके साथ इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल लगा लो बहुत मुश्किल है आई हैव ट्राइड दैट इम्पॉसिबल है ठीक है सो रेगुलर जॉब के साथ आप रेगुलर कॉलेज रेगुलर जॉब आई मीन बिंग कैबिन क्रू आप नहीं कर सकते हो नॉट पॉसिबल चाहे वो किसी कोई भी जॉब हो नहीं कर सकते हो ठीक है सो so, दूसरी चीज़ कि अगर आप ओपन के लिए सोच रहे हो ओपन यूनिवर्सिटी के लिए तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद इग्नू इज देयर और एनी अदर जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन कॉलेजेस होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हो आप सो ये चीज़ हो गई ठीक है और सब्जेक्ट क्या चाहिए सब्जेक्ट आप कोई भी स्ट्रीम से हो कोई भी स्ट्रीम कोई भी स्ट्रीम चलेगी चाहे आप ह्यूमैनिटीज के साथ हो कॉमर्स हो साइंस हो कुछ भी हो आप so सो आप किसी भी स्ट्रीम के साथ आप कैबिन क्रू बन सकते हो यू डोंट नीड स्पेसिफिक ऐसे कि मुझे यही कॉमर्स के साथ ही मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ बट hmm. ऐसा नहीं है ठीक है सो ये सारी चीजें हो गई एंड आई होप मैंने ये तीन क्वेश्चन आपके प्रॉपरली क्लियर कर दिए हैं एंड आप लोग बिल्कुल भी अपना पैसा बर्बाद नहीं करोगे बिकॉज यू आर रियली स्पेशल फॉर मी एंड आई रियली वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू बॉयस लाइक दिस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर मनी सो आई होप माई ऑल माई फ्यूचर कैबिन क्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी आपके कैबिन क्रू क्लियर करने में कैबिन क्रू इंटरव्यू क्लियर करने में एंड इवन ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज्यादा फैलाओ सो दैट कि बाकियों को भी अवेयरनेस हो ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर कोई वीडियो हेल्प करी, आपको अच्छी लगी, प्लीज डोंट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार आई रियली नीड योर ऑल ऑफ इ लवन अबाउट एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय